अच्छा ये बताइए, सोहजन खाना किन किन लोगों को पसंद है? जिसे हम सरगवा भी बोलते हैं, सोहजन भी बोलते हैं, हमारे गांव साइड इसे मुनगा भी बोलते हैं दोस्तों। ये सेहत के लिए इतना ज़्यादा हेल्दी होता है ना कि डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं खाने के लिए। क्या करना है बिल्कुल अलग तरीके से बनाने के लिए, इसे क्या करना है, सोहजन को इसे फ्राई कर लेना है, मतलब इसके रेशे निकालने के बाद फ्राई कर लेना है। इसके बाद दो बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करना है, इसके बाद टमाटर ऐड कर देना है। जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा ना, इसके बाद थोड़ा मसाले ऐड कर देंगे, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, आमचूर का पाउडर, जीरा पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करने के बाद लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, और इसे भी डालकर अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 चम्मच डाल देंगे बेसन। बेसन ऐड करने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, और पानी थोड़ा ही ऐड करना है। इसके बाद नमक और 1 चम्मच डालेंगे गुड़, मीठा के लिए, मतलब खट्टा मीठा फ्लेवर आएगा। इसके बाद मुनगा को ऐड करके 2 मिनट के लिए इसे और पका लेंगे, और ये देखिए हमारे सोहजन की एकदम टेस्टी सब्जी तैयार है। तो आप भी बनाएं और इन्जॉय करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बब्बा।